हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल डिस्कस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 मॉडल सेट 4। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए है रीडिंग, 24 मार्क्स का होता है और इसमें किताब से ही दो पैसेज दिए रहते हैं। तो दोनों पैसेज के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर उसके हम लोग जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं रिलेटेड टू पैसेज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो पैसेज जो मॉडल सेट 4 में जैक के द्वारा जारी गए इस मॉडल सेट में दिए हैं, एक यमुना नदी पर आधारित है और उसमें कुल 8 क्वेश्चंस हैं। उसी प्रकार एक दूसरा जो है वो स्वामी विवेकानंद पर आधारित है और दोनों को हम लोग अभी बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? तो चलो जोरदार तालियों के साथ हम तैयार। The water of the river Yamuna in Delhi has become useless. The water of this river is polluted and has received E grade in terms of quality. This is the lowest grade which indicates the severity of pollution in the water. Some 50 years ago, the water of Yamuna was clear and clean. Many water plants such as weeds, algae and shrubs grew in water along the banks of the river. These plants were the main source of food for aquatic creatures. A number of water birds could be seen along the river. With the honest of winter, thousands of migratory birds would come here to feed in the Yamuna water. Sadly, these water species and birds have vanished or died. What one finds now are red worms called Chromomyines, which live in the most unhygienic and polluted water. इसमें टोटल दिए हुए हैं क्वेश्चंस 8। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, आपको जवाब देना। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम टू द रिवर यमुना टू प्ले, टू फिट, टू स्विम। आंसर क्या होगा? टू फिट। बताओ सर क्या आंसर है? टू फिट। विच ग्रेड हैज द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी? कौन सा ग्रेड? ई ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द वाटर ऑफ यमुना सम 50 इयर्स अगो? कैसा था वहां का पानी? क्लियर एंड क्लीन। कैसा था? क्लियर एंड क्लीन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम वाटर प्लांट्स विच ग्रीन इन वाटर। क्या क्या है? वीड्स, शर्ब्स, ये सब हम लोग पढ़े अभी है। कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज डैश बिकम यूजलेस। क्या आंसर? बिकम यूजलेस। नेक्स्ट, दिस इज द लोएस्ट डैश विच इंडिकेट्स द सेवरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। क्या हो जाएगा? ग्रेट। क्या हो जाएगा? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज प्लांट्स वर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर डैश। कौन से के लिए? जलीय जंतुओं के लिए। एक्वेटिक क्रिएचर्स, बोलो एक्वेटिक क्रिएचर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका टोल्ड अबाउट ए यंग मैन हु केम टू ए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एंड सेड दैट ही वांटेड टू फाइंड गॉड। द सेज स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम एवर रिपीटिंग हिज डिजायर ही इज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड। आफ्टर मेनी डेज द सेज टोल्ड हिम टू एकंपनी हिम एज ही वेंट टू द रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग वॉक एंड व्हेन बोथ वर इन द रिवर द सेज टुक होल्ड ऑफ द यंग मैन एंड प्लंग हिम अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर एंड हेल्ड हिम देयर। द यंग मैन स्ट्रगल्ड इन शेक ऑफ हिज होल्ड। Finally, he raised him out of water and asked him, my son, what did you long for most when under water? A breath of air, gasped the youth. Thus should a disciple long after God if he would find him. If you have this longing after God, verify, he should be found by you, said the sage. Ye Swami Vivekananda par adharit kya hai? पैराग्राफ है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 9। द यंग मैन वांटेड टू फाइंड। क्या पाना चाहता था?
भगवान को, तो आंसर क्या हो जाएगा? गॉड। आंसर क्या हो जाएगा? गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद वन स्पीकिंग इन डैश टोल्ड यू अबाउट ए यंग मैन, किस देश में घूम रहे थे वो? अमेरिका। अगली जगह क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद वन स्पीकिंग इन डैश है अमेरिका, क्या होगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग मैन स्ट्रगल टू डैश शेक ऑफ इज हॉल्ड, क्या हो जाएगा? शेक ऑफ इज हॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेल इन द यंग मैन एंड टू हुम, तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग मैन लॉन्ग फॉर मोस्ट वाइल अंडर वाटर, तो क्या पाना चाहता था अंदर में लॉन्ग वाटर? टू फाइंड गॉड, क्या पाना चाहता था? फाइंड गॉड। ओके, तो इस तरह से ये लगभग दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको ठीक से हम लोग बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग के घर।